मित्रों, नर्मदे हर। आज हम आपको अमरकंटक के एक और स्थान के बारे में बताते हैं। स्थान का नाम है धर्मपानी। जैन मंदिर से जैसे ही आप उतरेंगे और दुर्गाधारा की ओर जैसे जाएंगे, उसी रास्ते पर थोड़ी दूर पर ये स्थान है। मुख्य सड़क के पास में ही दाहिनी ओर आश्रम है, धर्मपानी आश्रम, वहाँ ये स्थान है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, एक जल की धारा चली आ रही है, ये बहुत ऊपर पहाड़ से होकर के आती है। इसको बैतरणी नदी कहा गया है। बैतरणी नदी इस धारा का नाम है। ये बारिश के दिनों में पूरा भर के चलता है, लेकिन वर्ष भर आप यहाँ पानी की धारा देख सकते हैं, जो आगे जा कर के एक अच्छा सा सुंदर सा जलप्रपात बनाती है, जो दो स्टेप में नीचे पानी गिरता है। खाई है आगे, तकरीबन होगी 150-200 फीट गहरी खाई, उसमें ये पानी गिरता है। फिर ये आगे जा कर के सोन नदी में और दूसरे नाले में जा कर के सोन नदी में जा कर के मिलता है। ये बड़ा सुंदर स्थान है, पिकनिक के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और पास में ही है। ये जल पहाड़ से वनस्पतियों के बीच में से होकर के आता है, तो बड़ा शुद्ध जल इसको माना जाता है और बड़ा सुंदर स्थान है। आप अमरकंटक आएँ तो आप यहाँ आ सकते हैं, कुछ वक्त यहाँ गुजार सकते हैं प्रकृति के बीच में, आपको भरपूर आनंद आएगा, सुख शांति आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होगी। यहाँ पास में ही एक काली मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर नहीं है लेकिन प्राचीन है। वहीं उसी के पास में एक छोटा सा कुंड है, जो जैसे ही पानी का मूल स्रोत पहले वो रहा था, उसमें से ही पानी का इस्तेमाल यहाँ साधु लोग करते थे, तो वो जो है प्राचीन कुंड है, उसी के कारण से, उस पानी के और धार्मिक स्थान होने के कारण से इस स्थान को धर्मपानी कहा गया। नर्मदे हर।